अच्छे स्टॉक्स की न्यूज और अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल रिस्क स्टॉक्स और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय चैनल रिस्क स्टॉक्स। सो आज मैं बहुत समय के बाद इस चैनल के ऊपर स्टॉक का रिव्यू करने जा रहा हूं। आपको ही पता है कुछ दिनों से, क्या कुछ महीनों से कह लो, कि शेयर मार्केट का जो हाल है, शेयर मार्केट का नेचर है, उसका स्वभाव है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हर दिन बीते दिन आपको बैड न्यूज मिलती है और न्यूज़ भी ऐसी मिलती है जो आपके दिल को डरा देती है, आपको पोर्टफोलियो को रेड कलर का कर देती है और आपके दिल से आवाज आनी शुरू हो जाती है कि भाई ये मार्केट तेरे लिए नहीं बनी है, कितना पैसा डुबाएगा इस मार्केट में, निकल जा, भी तेरे पास मौका है। ऐसी आवाजें आपके दिल से आती होंगी। तो मैं कहता हूं शेयर मार्केट में देखो, ऊपर नीचे जाना तो चला ही रहेगा, ऊपर नीचे तो जाएगी मार्केट, जो चीज ऊपर जाती नीचे भी आती, नीचे जाने वाली चीज ऊपर भी जाएगी। तो ये शेयर मार्केट का खेल है। अगर आप अभी से हार मान जाओगे तो कैसे पैसा बनाओगे, कैसे करोड़पति बनोगे? तो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाओ, सब्र रखो, सब्र का खेल ही है। गिरते बाजार में अगर आपका पोर्टफोलियो रेड हो रहा है तो अभी से आप दूसरी साइड ये सोचना शुरू कर दो कि एक महासेल भी लगी है। इस महासेल में आपको ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स, ऐसी अच्छी कंपनीज जो जिस भाव पे आपको नहीं मिल रही थी उस भाव पे आ गई, इवन दैट उस भाव से नीचे भी चली गई हैं। तो उस प्राइसेस पे आपको बाय करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि लो प्राइसेस पे अच्छा स्टॉक बाय करने पे ही आपका प्रॉफिट बनेगा। तो आप पॉजिटिव करो अपने आप को। मुझे पता है हर दिन आपको खबर मिलती है जी आज रुपया 74 रुपए के पार चला गया, 75 होने वाला है, और पता चलता है तेल की कीमतें ठहरती नहीं है और तेल की कीमतें कभी 80 डॉलर बैरल उससे ऊपर जा रहा है। तो हर बैड न्यूज के साथ आपका पोर्टफोलियो रेड होता है, ऊपर से गवर्नमेंट आरबीआई की पॉलिसीज आ जाती हैं, तो बहुत सारी ऐसी न्यूज एक साथ आ जाती है कि शेयर मार्केट तो पहले तो करेक्ट था और भी करेक्ट होता जा रहा है। तो इस बीच आप अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। पॉजिटिव कैसे करना है, जो आपके पास बचा हुआ कैश है उसको अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो आप खरीदना चाहते थे लेकिन आप खरीद नहीं सके क्योंकि बहुत हाई लेवल्स के ऊपर खड़े थे, ऐसे प्राइस के ऊपर खड़े, तो आप बाइंग नहीं कर सकते थे, लेकिन नाउ द टाइम स्टॉक्स नीचे आ चुके हैं। तो इसी बीच मैं कुछ स्टॉक्स का रिव्यू करने वाला हूं और मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि मेरा बताया स्टॉक 100% ही आपको पैसा कमा के देगा। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% आपको पैसा कमा के देगा, लेकिन मैं ऐसे स्टॉक्स का रिव्यू करूंगा जो अपने अंदर एक पोटेंशियल रखते हैं आगे बढ़ने का, आगे जाके आपको पैसा कमा के देने का वादा कर सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स का मैं रिव्यू करूंगा। तो इसी बीच जिस स्टॉक का मैं रिव्यू कर रहा हूं, मिंडा इंडस्ट्रीज है, ठीक है, ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसकी वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूं, वेबसाइट आपके सामने, अबाउट अस इसका रीड आप कर लेना। वैसे तो इसका जो फ्रंट पेज आपको बहुत कुछ बता रहा है इसके बारे में। अब मैं दिखाता हूं इसके प्रोडक्ट्स। तो फोर व्हीलर के ये प्रोडक्ट बनाते हैं और इन्होंने जो क्लियर कट लिखा है OEM बास्केट फॉर व्हीलर प्रोडक्ट्स। OEM का मीनिंग बता देता हूं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो फोर व्हीलर्स के कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये इमेज के थ्री उन्होंने बहुत अच्छे वे से रिप्रेजेंट किया, आप देख सकते हो। तो नीचे इनके प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी, तो आप इसको देखो। टू व्हीलर्स की बात करो, अगर टू व्हीलर्स के OEM बास्केट बात करो, तो इन्होंने एक डॉट्स के थ्रू बाइक के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, उसके बाद इन्होंने लिस्ट दी है। तो आप इसके ग्रुप को देखो जाके, इस ग्रुप में कौन कौन सी कंपनीज है आपके सामने, मिंडा इंडस्ट्रीज, फ्यूल कैप डिवीजन, ऑटो गैस डिवीजन, तो बहुत सारे हैं। इनकी सबसे डायरी देखो, ठीक है, मिंडा कैराकू क्लार्टन हॉर्न्स, बहुत सारी इनकी सब्सिडायरीज हैं, ज्वाइंट वेंचर्स हैं। तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर आओ, अगर आप फंडामेंटल्स देखना लाइक करते हो, अगर आप फंडामेंटल्स देख स्टॉक को बाय करते हो, तो इनकी वेबसाइट के ऊपर आओ, आपको काफी नॉलेज मिलेगी इनकी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से इनके क्लाइंट्स हैं। इसके बाद आते हैं इसका करंट सिनेरियो, देखते हैं क्या चल रहा है इस स्टॉक का। तो मिंडा इंडस्ट्री लिमिटेड नाउ द टाइम BSE के ऊपर 326 के प्राइस पे है और NSE के ऊपर 327 के प्राइस पे ऊपर है। तो अगर BSE के ऊपर देखो, बीते दिन इन्होंने 1.28% का लो बनाया और NSE के ऊपर अगर आप बात करो तो 0.82, लगभग 2.70 रुपए का लो बनाया। तो बाइंग सेंटीमीटर इसका 100% लोग सेल के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है
जिस तरीके से मार्केट के अंदर डाउनफॉल चल रहा है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो लोगों का रुझान जो ऑटो सेक्टर की तरफ कम होता नजर आया है। लेकिन देखो, आप ये सोच के चलो, देखो अब पैसा ऐसे तो गिरता नहीं जाएगा, चाहे 75 चाहे 76, किसी ना किसी रेंज के ऊपर तो ये स्टेबल हो ही जाएगा। और कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा जो ये जो तेल, कच्चे तेल की कीमतें स्टेबल हो जाएंगी। तो जब ये तेल स्टेबल हो जाएगा, डॉलर थम जाएगा, तो ऐसे स्टॉक्स जो अच्छे माल जो लो लेवल्स के ऊपर आ चुका ये भागना शुरू करेगा, तो उस बीच आपका पैसा बनता नजर आपको आएगा। एनएससी के ऊपर लेके आया हूँ सो डैट कि आपको पता चल सके बीते दिनों उन्होंने क्या कारोबार किया है। तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 6 अक्टूबर को बना रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, और जो आपको ये प्राइस मैंने बताया इसका क्या चल रहा है, ये 6 अक्टूबर को वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है आप इस वीडियो को आने वाले बहुत टाइम बाद देखो, आपको 3 या 4 दिन बाद ये वीडियो मिले, तो इसका प्राइस के अंदर आपको चेंज मिलेगा, तो आप उसको नोट कर लेना उस दिन के हिसाब से। तो जो आपको एनएससी के ऊपर इसका कारोबार दिखाने वाला हूँ, वो आपको मैं डेट दिखा देता हूँ, कौन सी डेट की है, 5 अक्टूबर की है, ठीक है, फ्राइडे की। तो 5 अक्टूबर की बात करते हैं, प्रीवियस इसने 329 का बनाया, ओपन ये 329 पे हुआ, हाई इसने 339 का बनाया, लो 319 का बनाया, क्लोज 327 के ऊपर जाके हुआ। तो ये अपने ओपन प्राइस से थोड़ा सा नीचे गया, ठीक है, 2 रुपये नीचे चला गया। तो अगर आप इसकी 52 वीक की हाई की बात करो, तो इसने लगभग लगभग बोल रहा हूँ 460 का इसने 52 वीक हाई बनाया। नाउ द टाइम अगर 52 वीक लो की बात करो तो 265 का है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक 300 के लेवल्स के ऊपर भी चला जाए। तो अगर उस लेवल्स पे जाता है तो आप इसके अंदर माल उठाने की कोशिश कर सकते हो, सारा तो नहीं। अभी तो देखो जो जिस तरह की मार्केट चल रही है, तो सभी लोग, मैं क्या, ब्रोकरेज फर्म्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको ये सजेशन देंगे माल उठाना है तो एक साथ नहीं उठाना है, थोड़ा थोड़ा करके उठाना है, लिटिल अमाउंट में उठाना है, कि आप अगर मार्केट ऊपर जाती है तो प्रॉफिट में रहो, नीचे जाती है तो लॉस से बचो। तो अगर 300 लेवल्स की वेट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अपने 52 वीक हाई से स्टॉक काफी नीचे आ चुका है। आप देख सकते हो 460 के हिसाब से ये स्टॉक 327 से लगभग 130 का फर्क निकल के आता है। अब मैं आपको अगर इसकी ट्रेडिंग की बात करें, तो क्वांटिटी इसकी कितनी ट्रेड हुई, 6,88,000 शेयर जो इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से 6,17,000 शेयर डिलीवर भी हो गया। तो डिलीवरी अच्छी निकल के आ रही, इसका मतलब ये निकल रहा है जितने लोग इस माल को बेच बिकवाली है उसी तरीके से इसके अंदर खरीदा रहा है, माल को खरीदा भी जा रहा है, और डिलीवरी परसेंट 89, तो बहुत अच्छी डिलीवरी परसेंट इसकी निकल के आ रही है। अब सीधा इसके चार्ट के ऊपर आते हैं, तो चार्ट में आपको 5 साल का दिखा रहा हूं। तो 5 साल के चार्ट के अंदर आप वैसे तो देखो कि ये कॉन्स्टेंटली ऊपर गया, लेकिन जो इसका बुरा टाइम, ये देखो लगभग ये स्टॉक इस 400 के ऊपर गया, इसने जो हाई बनाया 430 का बनाया, तो 430 के बाद भी इसने एक हाई बनाया, वो निकल के आता है इसका 446 का। तो उसके बाद ये इसका हाई निकल के आया लगभग 460 का। तो ये आपको पता है 52 वीक इसने भी 460 का लगभग बनाया, तो ये इसके ऊपर गया। और ये टाइम जब, अब इसके नीचे अगर आप टाइम के देखो तो 2018 शुरू हो गया, और 2018 चलते ही स्टॉक का टाइम देखो कैसा है, ये स्टॉक नीचे गिरा, उसके बाद फिर संभला, फिर 400 के प्राइसिस पे गया, और उसके बाद फिर नीचे आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका लास्ट जो अभी सपोर्ट लेवल निकल के आता है, तो ये 300 का निकल के आता है, लगभग 310 या 305 का निकल के आता है, अगर ये इसका सपोर्ट लेवल है। तो अगर ये 300 के सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक करता है तो अच्छे रिटर्न्स देगा आपको, लेकिन उसके नीचे जाता है तो कहाँ नहीं जा सकता, कितना नीचे जाए, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, जिस आपके इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है तो वही आगे जाके इसका रेसिस्टेंट लेवल बन जाएगा, तो आप रेसिस्टेंट लेवल के अकॉर्डिंग इसके अंदर बाय करोगे। तो 1 ईयर का चार्ट लगाते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी, देखो 1 ईयर के अंदर आपको क्लैरिटी मिलेगी, 1 ईयर में इसका हाल क्या हुआ है। तो ये स्टॉक्स देखो काफी अच्छा परफॉर्म करता करता लगभग 450 के लेवल्स पे गया, और उसके बाद ये करेक्ट होना शुरू हुआ, करेक्ट होते होते ये लगभग इसने जो अभी देखो लो बनाया, इसने वो बनाया 320 का, तो 320 के लो के ऊपर गया था, अभी ये 327, उसके बाद इसने ऊपर जाना शुरू किया, ऊपर जाते जाते इसने लगभग 350 450 का इसने हाई बनाया, उसके बाद ये फिर लगातार नीचे गिरता आ रहा है स्टॉक, तो अभी ये 327 के प्राइस के ऊपर है। तो इसका देखो जो इसना प्रीवियस अभी जो निकल के आता है, इसका 320 का निकल के आता है लेवल, जो सपोर्ट लेवल, तो उसके अराउंड है। तो
तो मैं तो कहूंगा आप इसका स्पोर्ट लेवल देखना, तो आप 300 के राउंड देखो, देखो जो इसका लास्ट निकल के आता है 300, तो 300 के लेवल तक आप चेक करो, उससे ये बाउंस बैक ले सकता है। अगर उससे बाउंस बैक लेता है तो ये अच्छा प्रॉफिट कमा के देगा, 400 के लेवल्स पे जाए, 450 के लेवल्स पे जाए तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट निकाल के दे सकता है। तो अगर उससे नीचे चला जाता है तो 300 से, तो मैं आपको नहीं कह सकता कितना नीचे जाएगा, लेकिन एक रेसिस्टेंट लेवल बन जाएगा, तो आपको 300 के रेसिस्टेंट लेवल की वेट करनी पड़ेगी कब ये क्रॉस करेगा। तो अगर मूविंग एवरेज प्राइस देखो, इसका निकल के आता 398 का निकल के आता है, अगर मूविंग एवरेज प्राइस देखा जाए तो ये अपने एवरेज प्राइस से काफी नीचे आ चुका है 327 का। तो इस माल को आप उठाने की हिम्मत कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। अगर आप शॉर्ट टर्म है तो आपका दिल कम होगा, दिल कम होगा तो दिल टूटेगा, तो मार्केट से भागोगे। तो लॉन्ग टर्म की सोच है, बहुत अच्छा नजरिया लेके चलते हो लॉन्ग टर्म का, तो इस लेवल्स के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमाने का, 400 के लेवल्स को टच करने का ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है। तो अगर एमएसईडी की क्रॉस थोड़ा देख लेते क्या चल रहा है, अभी तो ये जीरो के लेवल से ही चल रहा है, इसका एमएसईडी क्रॉस ठीक है नेगेटिव में जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर वेट करना पड़ेगा। कोई देखो जीरो के लेवल सेंटर लाइन के ऊपर कोई एमएसईडी क्रॉस कर ओवर आता है तो उस समय आप इसके अंदर बाय करो। अगर आरएसआई की बात करो तो ये तो आपको क्लियर क्लियर इंडिकेशन देगा आपको, देखते थोड़ा इसका ना आप 1 मंथ का देखते हैं, 1 मंथ में ज्यादा क्लियर। हाँ 1 मंथ के अंदर देखो तो आरएसआई इसका 28 आ चुका है 1 मंथ का, देखो 1 ईयर का देखो तो इसका आरएसआई 22 है, और 1 मंथ का देखो तो ये आपके सामने 28 निकल के आता है। तो ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, और जब भी कोई स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में जाता है तो उसके अंदर रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं, और जब कोई रिवर्सल आता है तो उसका फायदा आपको उठाना ही चाहिए। तो उसके बाद इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं, टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स मैंने आपके सामने लगा दिए इसके परसेंटेज। नाउ द टाइम प्राइस 327 एनएससी के ऊपर, और 1 वीक में -7%, 1 मंथ में -22%, 3 मंथ्स में -23%, 1 ईयर में -23%। अगर 2 ईयर्स की बात करो तो इसने 207% का आपको प्रॉफिट दिया है, 3 ईयर्स की बात करो तो 868% का रिटर्न, और 5 ईयर्स में तो मल्टी बैगर स्टॉक बन रहा है ये 3500% का रिटर्न। तो बहुत लोगों को लखपति और करोड़पति बनाया होगा इस स्टॉक ने। तो नाउ द टाइम ये अपने जो रिटर्न प्रोफाइल है स्टॉक की, उससे ये लगभग 23% नीचे आ चुका है, हो सकता है 25% भी नीचे चला जाए। तो आप इस स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखो, प्रॉफिट कमाना है। अगर मार्केट कैप की बात करो तो 8,562 करोड़ का इसका मार्केट कैप, और अर्निंग पर शेयर 12.68 निकल के आती, पी रेशो 25 है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको मिलेगा ये स्टॉक, अच्छा माल है, अच्छा माल महंगा ही मिलता है। तो इंडस्ट्री पी रेशो 37, उसके हिसाब से इसका पी रेशो कम है स्टॉक का। बाकी ये आप डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं 0.29 है, नंबर ऑफ शेयर 26.22 करोड़ है, और शेयर होल्डिंग की लास्ट में बात कर लेते, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 70% इंडियन प्रमोटर्स के पास ही है, और 29% पब्लिक में है, जिसमें 9.57% FIs घुसे हुए हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा लगा है, डोमेस्टिक ने भी इसमें 5.65 की परसेंट की जो इन्वेस्टमेंट की, और रिटेल इन्वेस्टर जो हम जैसे आम लोग हैं वो 13.8% लेके घूम रहे हैं। तो ये मैंने आपके सामने स्टॉक्स रिव्यू किया। देखो अब बहुत टाइम से मैं स्टॉक रिव्यू करने से बच रहा था, सिर्फ और सिर्फ आपको करंट जो न्यूज आ रही है उससे ही अपडेट रख रहा था। मैं रिव्यूज इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उस समय ना तो कोई टेक्निकल्स वर्क कर रहे हैं, ना फंडामेंटल्स वर्क कर रहे हैं। किसी स्टॉक को बताना मतलब अपने गले में फंदा डालने वाली बात हो जाती है कि मैं बताऊं वो स्टॉक सडनली नीचे चला जाए तो आप मुझे ही गालियां दोगे, मेरे चैनल को गालियां, इसलिए बच रहा था। लेकिन अब एक ऐसा टाइम निकल के आया जब लोगों का दिल टूटता नजर आ, बैड पे बैड न्यूज आ गई, तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो इसी बीच मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स का रिव्यू करने की कोशिश करूंगा जो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीद सकते हो, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का नजरिया रखते हो तो। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और बाकी इट्स अ रिव्यू, 100% गारंटी नहीं है, जो मैंने बोला वही होगा। देखो शेयर मार्केट उम्मीद के ऊपर चलती है, तो मैंने एक उम्मीद रखी है, उसको फॉलो करना ना करना आपके हाथ में है। थैंक यू गाइस।